पांच साल बाद ऑस्ट्रेलिया से घर में जीती इंडिया मैच में रोहित शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी पारी के दम पर टीम इंडिया ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। गीले आउटफील्ड के कारण 2 घंटों की देरी से शुरू हुआ यह मैच 8-8 ओवर का था। ऑस्ट्रेलिया ने 8 ओवर में 5 विकेट खोकर 90 रन बनाए। मैथ्यू वेड ने 20 गेंद पर 43 रन की पारी खेली। जवाब में भारत ने 7.2 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। रोहित 20 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 46 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया को भारतीय जमीन पर टीम इंडिया ने 2017 में पहली बार हराया था। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दूसरे मुकाबले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वे टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले बल्लेबाज बने। 35 साल के भारतीय कप्तान ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ा है। शुक्रवार को पहला सिक्स जमाते ही वे उनसे आगे निकल गए। मार्टिन गुप्टिल ने 172 सिक्स जमाए हैं। रोहित ने भारतीय पारी में पहले ही ओवर में जोस हेजलवुड की गेंद पर 2 छक्के जड़े। उन्होंने अपने 46 रनों की पारी में 4 छक्के जमाए। इस मुकाबले को टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीता। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 25 सितंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल को कैमरून ग्रीन ने पुल किया और बॉल मिन ऑन की दशा हो गई। यहां पर खड़े विराट ने बॉल उठाई और बॉलर की दिशा में थ्रो किया। यह बॉल सीधे स्टंप में लगी। इस तरह ग्रीन 4 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। 5वें ओवर की आखिरी बॉल जसप्रीत बुमराह ने यॉर्कर मारी जो सीधा लेग स्टंप के बॉटम में लगी। 142 की स्पीड की बॉल को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोज फिन संभाल नहीं सके और बोल्ड लेग स्टंप ले उड़ी। ऐसे में उन्हें 15 गेंद पर 31 रन की निजी स्कोर पर लौटना पड़ा। आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने खुद बुमराह की तारीफ की। एक और याकर बुमराह ने स्मिथ को मारी और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अपना संतुलन खो बैठे। वे विकेट पर ही गिर गए। ऑस्ट्रेलिया पारी का दूसरा ओवर अक्षय पटेल ने कमाल किया। इस ओवर में कैमरून ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल पवेलियन लौट गए और यही से ऑस्ट्रेलिया पर थोड़ा प्रेशर बना। विराट कोहली ने शानदार थ्रो से ग्रीन को रन आउट किया। वहीं अक्षय पटेल ने ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। पटेल जब चौथा ओवर करने आए तो उन्होंने टीम डेविड को भी सिर्फ 2 रन पर बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच को जसप्रीत बुमराह ने शानदार यॉर्कर पर आउट किया। अगर ये विकेट नहीं गिरे होते तो ऑस्ट्रेलिया 100 से ज्यादा रन भी बना सकती थी। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में 5 साल के बाद हराया। इससे पहले टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रांची में 2017 में 9 विकेट से हराया था। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।